हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज मेन्यू विद शुभी मिन्हाज। तो मैं हूं शुभी और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारी सी डेकोरेशन शेयर करने वाली हूं जो है विंटेज केक की, और ये पाइनएप्पल फ्लेवर का होगा, 2 पाउंड का होगा। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और बनाते हैं अपना विंटेज केक। 2 पाउंड का केक बनाने के लिए मैंने लिया ये 2 कप से थोड़ा सा कम प्रीमिक्स। अगर आपका डेकोरेशन ज़्यादा है केक में क्रीम का तो आप प्रीमिक्स की क्वांटिटी को कम कर दीजिए, अगर कम है क्रीम की डेकोरेशन तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा पानी दे करके हम बहुत अच्छा सा स्मूथ सा लम्प फ्री बैटर बना लेंगे इसका। उसके बाद इसमें हम 1 चम्मच और मतलब 2 चम्मच से थोड़ा सा कम ऑयल डालेंगे जिसमें कोई स्मेल नहीं हो। अब इसको मैंने 10 इंच के टिन में सारे बैटर को ट्रांसफ़र कर दिया है क्योंकि मुझे आज साइज़ में बड़ा केक चाहिए, तो मैंने 10 इंच के टिन में बनाया है इसको। अब इसको प्री हीटेड ओवन में डालेंगे जो कि 180 डिग्री पर प्री हीट है, दोनों रॉड को ऑन करके। अब इसकी नीचे के वाली रॉड को ऑन करना है हमें, ऊपर वाली को बंद कर देना है, और टेम्परेचर को 160 कर दीजिए और टाइमर जो है आधे घंटे का लगा दीजिए। और जब तक केक बेक हो रहा है हम क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो 2 पाउंड के केक के लिए 2 कप क्रीम लग जाती है, तो इसको व्हिप करना है। पहले तो 1 मिनट हम लो स्पीड पर करेंगे, फिर मीडियम पर 1 मिनट करेंगे, फिर हाई स्पीड पर करेंगे, तो आपकी क्रीम बहुत अच्छी व्हिप होगी, मेल्ट भी नहीं होगी। अब ये मेरा केक भी बेक हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसके बटर पेपर को हम हटा लेंगे, तो देखिए केक बहुत अच्छा बेक हुआ है। हाइट इसकी नहीं है क्योंकि हमने बड़े टिन में इसको बेक किया है, तो बस इसकी 3 लेयर कट कर लेंगे। तो बड़ा केक है, आपको अगर नाइफ से नहीं होता है तो आप धागे से कट कर लीजिए। उसके थोड़ी सी क्रीम में मैंने पाइनएप्पल इमल्शन मिलाया है, और इस जो क्रीम इसके अंदर लगेगी लेयर्स वाली क्रीम में मैंने पाइनएप्पल इमल्शन मिलाया है ताकि अच्छी सी खुशबू रहे केक के अंदर, क्योंकि बाहर की क्रीम हमें दूसरे कलर की बनानी है। तो बस क्रीम लगाना है और अच्छे से स्प्रेड कर देना है यहाँ पे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे क्रश, और क्रश को भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर फिलिंग डालेंगे, और फिलिंग को सेट करने के लिए मैंने थोड़ी सी क्रीम ली है और उसके ऊपर लगा दिया है, तो ये क्रीम के बीच में फिलिंग आती है तो अच्छा लगता है। अब दूसरी लेयर को सेट करेंगे, और वैसे ही हम इसको भी सोप करेंगे, क्रश लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, जो सेम प्रोसेस है वही फॉलो करते हुए हम पूरे केक को सेट कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छी प्यारी सी डेकोरेशन होने वाली है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये विंटेज होता क्या है? विंटेज का मतलब होता है 40-50 साल पुरानी चीज़, उसको विंटेज बोलते हैं। तो इसी तरह से ये डेकोरेशन जो आजकल होती है पुराने डिज़ाइन, मतलब पहले जैसे केक पर डेकोरेशन होती थी उस डिज़ाइन को रिपीट करना, उसको फॉलो करना, यही इसी को विंटेज बोलते हैं, विंटेज केक बोलते हैं। अब तो नई नई डिज़ाइन है, नया नया तरीका बनाने का, तो पुराने वाले डिज़ाइन को हम रिपीट कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं विंटेज केक या रेट्रो केक। चलिए लेयरिंग तो हो गई है, अब हम इसकी क्रम कोटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले साइड में क्रीम लगा लिया मैंने, थोड़ी सी क्रीम को लेके पूरे साइड पे लगाना है, सारे क्रम्स को दबा देना है केक के अंदर। अब ऊपर भी हम लगा के और इसको अच्छे से कंप्लीट कर देंगे, और फ्रिज में 10 से 15 मिनट जितना भी टाइम हो आपके पास तो उसको फ्रिज में रख देना है। अगर कम टाइम है, नहीं है, तो बिना रखे भी काम चल जाता है, लेकिन अगर है तो ज़रूर से फ्रिज में रख दीजिए। जब तक केक सेट हो रहा है अब हम इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम रेडी कर लेते हैं। तो थोड़ी सी क्रीम मैंने मिलाया है पिंक कलर, 1 ड्रॉप, सिर्फ 1 ड्रॉप की, बस लाइट पिंक शेड आना चाहिए। अब इसको पाइपिंग बैग में भर लेना है, और अब इसकी हम फाइनल फ्रॉस्टिंग इसी क्रीम से करेंगे। तो पाइपिंग बैग से ही क्रीम लगा देना है पूरे केक के ऊपर। आज मैं पाइपिंग बैग से ही क्रीम लगा रही हूँ क्योंकि केक का साइज़ बड़ा है, और कभी कभी मुझे आलस आता है तो मैं डायरेक्ट भी क्रीम लगा देती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही करूँ। इससे है कि काम जो है बहुत कम टाइम में हो जाता है और बहुत फिनिशिंग के साथ हो जाता है। बस स्क्रेपर लेना है और सिंपली इसको घुमा देना है, और एक बार में ही आपकी साइड वॉल में की फिनिशिंग हो जाती है।
ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इसके बाद ऊपर से इतना जितनी एक्स्ट्रा क्रीम उसको हम हटा देंगे और देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग मेरे केक के ऊपर आई है। अब ये लिया है मैंने, पिंकी कलर है थोड़ा डार्क, और उसमें लगाया है ये जो बास्केट नोजल होता वो, और बस इससे आगे पीछे करते हुए हम एक बॉर्डर बना लेंगे केक के टॉप सरफेस के एज पर। तो बस इसको हम आगे पीछे करेंगे और इसी तरह से अपने बॉर्डर को कंप्लीट करेंगे, इसे भी बहुत अच्छा बॉर्डर बन जाता है। अब मैंने लिया है 46 नंबर का नोजल, अब थोड़ी सी लाइट कलर की क्रीम डाली है उसमें और एक बॉर्डर के अंदर उसके अंदर एक और सर्कल बनाएंगे ये इस तरह के पैटर्न का। तो बस ऐसे ही पैटर्न एक 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 के बाद एक बनाते जाना है। अब ये लीफ नोजल है, उसके अंदर मैंने उससे लाइट कलर की क्रीम भरी है और बस उससे बॉर्डर बना देना नीचे फ्रिल वाला। तो कई तरह के नोजल का काम है यहाँ पर, बस एक के बाद एक का इस्तेमाल करना है और जैसे समझ में आए कि जहाँ पर जो वो अच्छा लग रहा हो तो पैटर्न बनाते जाना है। अब उसी से मैंने एक और सर्कल बना दिया उसी फ्रिल वाले बॉर्डर के ऊपर 46 नंबर वाले नोजल से। तो ये वाले भी बॉर्डर जो है कंप्लीट हो गई है। तो बस ऐसे ही पैटर्न एक के बाद एक बनता है। अब मेरे पास जो ये ओपन स्टार टेबल है बहुत चौड़ा वाला नहीं था, नहीं तो इसमें बड़ा बड़ा जो इस तरह का बॉर्डर बनता वो और भी ज़्यादा प्यारा लगता देखने में। तो वही 46 नंबर वाले से मैंने ड्रॉप करके ऊपर में एक और सर्कल बना दिया है। अब ये सबसे छोटे साइज का स्टार नोजल है, इससे हम ये झालर जो होती है वो बना देंगे। तो बस इसी तरह से जो जो मेरे दिमाग में आया, जो जो समझ में आया वो पैटर्न मैंने इसके ऊपर बनाया। बहुत मज़ा आया ये काम करने में, इतना सारा पैटर्न बनाने में केक के ऊपर। अब फिर वो सेम छोटे वाले स्टार नोजल से इस तरह से सर्कल रोजेट बना दिया हर जॉइंट पर, जहाँ पर ये झालर जुड़ता है ना वहीं पर। उसके बाद भी क्रीम मेरे नोजल में बच गई थी, तो बस मैंने ऊपर भी एक और सर्कल बना दिया। तो मिला जुला के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था केक, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था और जिनके लिए बनाया था उनको भी बहुत अच्छा लगा। अब एक एक सेंटर में मैंने ड्रॉप, मतलब जो एक झालर है उसके सेंटर में ड्रॉप करके बना दिया। इतनी सी क्रीम ही मेरे पाइपिंग बैग में बची थी, तो मैंने उसको, और क्रीम जो है वो सॉफ्ट भी हो गई थी, मेल्ट हो गई थी, तो बस ऐसे काम कर लिया और उसके बाद सिल्वर स्प्रे किया और इतना खूबसूरत लग रहा था मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और वीडियो में पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा उतना अच्छे से, लेकिन बहुत खूबसूरत था। अब ये जो सेंटर वाली जगह बची है यहाँ पर मैंने वाइट एडिबल पर्ल से इसको भी डेकोरेट किया। आप यहाँ पर बर्थडे का टैग लगा सकते हैं, अगर किसी के बर्थडे के लिए बना रहे हैं, एनिवर्सरी के लिए बना रहे हैं तो उसका टैग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर पर्ल डाला है छोटे साइज का, उससे बड़े साइज का, उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये वाली डेकोरेशन मेरी विंटेज केक की, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे हम इसी तरह की कोई नई वीडियो के साथ, किसी नए डेकोरेशन के साथ, किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए ना।